इंसान को इंसान बनाते हैं इरादे, इंसान को तूफान भी बनाते हैं इरादे। अगर माजदा है जीतने का दोस्त तो बर्फ में भी आग लगाते हैं इरादे। माई सेल्फ विनोद पटेल फ्रॉम सतना मध्य प्रदेश। डायरेक्ट सेलिंग में मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। माई डियर फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा और कुछ भी बोलने से पहले मैं ईश्वर का और माता पिता का थैंक यू पे करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने हमें इतनी हसीन जिंदगी दी है। मैं अपने सभी उन तीनों महान डायरेक्टर्स को प्रणाम करना चाहूंगा जिनकी ख्याल में, जिनकी सोच में असली पीएस वेलनेस जैसी अपॉर्चुनिटी बनाने का इरादा और मन आया है। मैं अपने सभी फ्रंट लाइन में बैठे हुए महागुरुओं को प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे पल पल में गाइड किया है और लगातार 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 मुझे आज तक संभालते आए हैं। और लास्ट में मैं अपने सभी टीम लीडर्स को मैं प्रणाम और थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मेरा इस 26 महीने में साथ दिया है और जिनकी बदौलत आज मैं स्टेज पे खड़ा हूं। 26 महीने के अंदर डायमंडशिप लेके खड़ा हूं। मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं स्टेज से। दोस्तों, यदि मैं अपने बचपन के बारे में बताऊं तो जब मैं 3 साल मेरी मातृ उम्र थी तब मेरी ऊपर से मेरी मां का साया उठ गया था और जब मेरी उम्र 13-14 साल की थी यानी मैं 6वीं क्लास में पढ़ रहा था तब मेरी जिंदगी से मेरे पिताजी का भी साया उठ गया था। इस कंडीशन में दुनिया का हर इंसान लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर ने यदि आपको जन्म दिया है तो आपकी सक्सेस भी पक्की है, आपकी सक्सेस भी पक्की है। बस अंतर यह है कि दुनिया में ईश्वर हमें अपॉर्चुनिटी तो देता है, रास्ते तो देता है, लेकिन उन रास्तों पे चलना और उन्हें नकार देना ये हम पर खुद पर निर्णय करता है, हम पर डिसाइड करता है। और दोस्तों, मैंने बचपन में बहुत जिल्लतें झेली है, पैसे का बहुत ज्यादा अभाव रहा है क्योंकि मैंने दूसरे के यहां जिंदगी काटी है, अपने ननिहाल पक्ष में मैंने कई साल तक काटा है। लेकिन आज से 10 साल पहले जब मैं पैदल चल रहा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक अनजान व्यक्ति से मैंने लिफ्ट मांगी थी और उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान बताया था और एक कंपनी के अंदर मुझे जोड़ा था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं जन्मों जन्मों का भूखा था, मुझे अमीर बनना था और मुझे आगे बढ़ना था और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं और मैंने ज्वाइन किया। और उस अपॉर्चुनिटी में एक ही बात बताई जाती थी कि यदि आप डायमंड बन जाएंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। और मैंने मात्र लगातार 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 8 सालों तक काम किया और उस सिस्टम के अंदर डायमंड भी बना। लेकिन जो मेरी मंशा थी कि डायमंड बनने के बाद 2-4 लाख रुपए महीने के आने चाहिए, लग्जरी कार होनी चाहिए, लग्जरी मकान होना चाहिए और लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, वो चीजें दूर दूर तक नजर नहीं आ पा रही थी। और उसके बाद फिर ईश्वर का चक्र घूमा। वो दिन, वो समय, वो पल मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा जिस दिन जिस पल मेरी जिंदगी में असली पीएस वेलनेस जैसी महान अपॉर्चुनिटी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उस पल के लिए और आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि आपको भी वो पल आया है, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली है। और दोस्तों, उस अपॉर्चुनिटी को बताने वाले, उस शानदार जिंदगी को देने वाले कोई और नहीं, हमारे सामने बैठे हुए हमारे गुरु महागुरु मिस्टर अवधेश नारायण महागुरु जी हैं जिन्होंने मुझे ये प्लान समझाया था। सल्यूट गुरुदेव कि आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पूर्ण रूपेण से समझा पाए और दोबारा से मैंने एक बार डायमंड बनने की ठानी, यानी कि मैंने एक पारी और खेलने का निर्णय ले पाया।
थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा मुझे हरदम लगातार लगातार प्रेरित करने वाले और एक एक चीज को बताने वाले हमारे महागुरु मिस्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा गुरु जी और हमारे महागुरु मिस्टर जितेंद्र कुमार महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने 26 महीने में लाके यहां खड़ा किया है। उसके अलावा हमारे महागुरु मिस्टर कृष्णा कुमार गुरु जी, प्रणव महागुरु जी और हमारे अमित महागुरु जी और शिव कुमार महागुरु जी, महिपाल महागुरु जी और कंपनी के टॉप लीडर अनिल महागुरु जी के लगातार मार्गदर्शन में रह करके, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर डायरेक्ट जुड़ना तो मुश्किल होता है, लेकिन लगातार लगातार सब लोगों की प्रेरणा से और लगातार गाइडलाइन की वजह से आज ये लड़का वहां तो 8 साल लग गए थे, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जिसे आप सब देख रहे हैं, जिनमें अपना आप फ्यूचर देख रहे हैं, इसी कंपनी के अंदर मैंने दोबारा 26 महीने के अंदर डायमंडशिप हासिल कर ली है। 26 महीने के अंदर। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अभी तक इस पिछले 26 महीने में कितने बार न जाने इंडिया के अंदर ट्रिप हुए हैं, चाहे गोवा हो, चाहे जलेश क्रूज हो, चाहे जैसलमेर हो, शिमला हो, लेकिन यदि मैं फॉरेन ट्रिप की भी बात करूं तो इस कंपनी के माध्यम से इस 26 महीने में 4 बार विदेश की यात्राएं हुई हैं, 4 बार। जहां पर मैं पला बढ़ा था और इस 26 महीने में मैं एक बार भी ननिहाल नहीं जा पाया, लेकिन इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी असली पीएस वेलनेस की बदौलत और लगातार महागुरुओं की बदौलत आज 4 बार विदेश की यात्रा करके और मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं। दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यदि आप, मैं देख रहा हूं, मैं बाहर अभी मेरी एंट्री हुई है, कि जिस आदमी को इस पूरे इवेंट में बैठे हुए लगातार 5 घंटे हो गए हैं और लास्ट में जब इवेंट हमारा समापन होगा तब वो बंदा उठेगा, वही आने वाले समय में अगले 26 महीने में डायमंड बनेगा, अगले 26 महीने में डायमंड बनेगा। मेरी बात का बुरा कोई भी व्यक्ति ना माने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। लोग यहां आते हैं 5 मिनट बैठ के, आधे घंटे बैठ के और 1 घंटे बैठ करके, वो आदमी अपने आप को नहीं रोक पाता, उसे सूसु लग जाती है, उसे भूख लग जाती है, उसे प्यास लग जाती है, वो बंदा कभी डायमंड नहीं बनता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बंदा वो बनता है जिसके अंदर पेशेंस है, जिसे एक बार एंट्री मिल जाने के बाद, एक बार सीट मिल जाने के बाद जिंदगी में कभी भी 6 घंटे तक न साला सुसु आने की औकात है, न भूख लगने की औकात है, न प्यास लगने की औकात है। एक ही चीज होती है, मुझे भी डायमंड बनना है। और मैं वहां से उठ करके कब मैं यहां पर आऊं, यहां पर कब आऊं और इस सोफे में कब बैठो, ये उसके नजर में रहता है। क्या आपकी नजर में है? क्या आप लोगों की नजर में है? क्या इधर वालों की नजर में है? कितने लोगों की है? सभी के, सभी के। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगले 26 महीने जब भी कभी आपका इवेंट हो, जब भी कभी आपका ट्रेनिंग हो, जब भी कभी आपका मीटिंग हो, साला इन चिल्लर पिल्लर कामों की कोई जगह नहीं है। मात्र एक ही चीज दिखनी चाहिए, वो डायमंडशिप, 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 डायमंडशिप दिखनी चाहिए। दिखेगी, दिखेगी। बहुत सारे महारथी होंगे और ज्ञान रथी होंगे जिन्होंने बहुत सारी कंपनी करी होगी, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आपने अभी तक और आज तक जितनी भी कंपनियां बदल ली हो, लेकिन अब माय डियर फ्रेंड्स, असली पीएस वेलनेस मिलने के बाद कंपनी नहीं, जिंदगी बदलेगी, जिंदगी बदलेगी, जिंदगी बदलेगी। क्यों? क्योंकि डायमंड बनने के बाद भी अदर जगह साला जिंदगी नहीं बदलती, असली जिंदगी तो असली पीएस में बदलती है, असली पीएस में बदलती है, जहां पर लगातार लगातार हम लोगों ने लोगों की ऑडी और मर्सिडीज जो जगवार पे फोटो खिंचाई थी। 26 महीने के अंदर मैं अपनी 56 लाख की ऑडी कार में चलता हूं। ये ताकत असली पीएस बैलेंस में है और ये ताकत हमारे फ्रंट लाइन के गुरुओं में है। इनकी बात मान लेना और आपको दुनिया की किसी की सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने जब शुरू किया बहुत लोगों ने मुझे ज्ञान दिया कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन उन सब के मुंह में मैंने एक ही बात कहा, कोई जवाब नहीं दिया।
मैं एक ही बात सोचता था कि जो मेरा फाइटर सक्सेस सिस्टम बोलेगा वो करूंगा, और जो मेरे महागुरु बोलेंगे वो करूंगा, और उनको एक ही चीज से जवाब देना है। यूपी में एक अलीगढ़ जगह है, जानते हो, जानते हैं वहां का सबसे फेमस चीज क्या है? क्या है जी, क्या है? ताला है। मैंने एक ही चीज कमिटमेंट करा था कि साला इन सब के मुंह में अलीगढ़ का ताला ठोक देना है, इतनी बड़ी सक्सेस लेके दिखा देना है, इतनी बड़ी सक्सेस लेके दिखा देना है। और आज मेरे एमपी में और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और 4-6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कर रहा होगा नेटवर्किंग पिछले 5 साल 10 साल और 20 सालों से, लेकिन इन महागुरुओं की ताकत है कि यदि लग्जरी गाड़ी किसी के पास है तो आपके पास है, ऑडी है आपके पास है। है करने लायक, है करने लायक। तो आज आप डिसाइड कर लो कि जब भी फंक्शन होगा तो फोकस किधर होगा, किधर होगा। हम पानी में रोटी में नहीं घुसेंगे, हम दाल में और चटनी में नहीं घुसेंगे, हम डायरेक्ट साला डायमंड में घुसेंगे, डायमंड में घुसेंगे। आपको हमेशा लग्जरी लाइफ हो जाएगी। आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि वेंट बांधना पड़ेगा, आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि नाश्ता किधर मिलेगा, आपको अपने आप मिलेगा। चाहिए, चाहिए सभी को। और दोस्तों, आज तक इस पिछले 26 महीने में कितनी इनकम हुई है जानना चाहते हो? जानना चाहते हैं सारे लोग? इस 26 महीने में टोटल जो मेरी इनकम हुई है वो 65 लाख रुपए हुई है, 65 लाख रुपए। और मैं एक ही चीज लास्ट में कहना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि हमें अभी महागुरुओं को सुनना है, लेकिन हम सुनते रहेंगे क्योंकि हमें आगे जाना है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज इस इवेंट को देखने के बाद आप सबके दिलों में आग लगी है, आग लगी है सबके, सबके अंदर आग लगी है। इधर भी लगी है क्या? लगी है, एक बार हल्ला करके दिखाओ, लगी है। यस यस। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आग लगी है, म्यूजिक नहीं बजाना क्योंकि टाइम आज बिल्कुल नहीं है, ये जो आग लगी है इस आग को बुझाने के लिए आपका रिश्तेदार आएगा एक मग पानी लेके, एक मग पानी लेके। क्या बुझ जाएगी, क्या बुझेगी? नहीं भाई साहब, आपके पड़ोसी के पास 2 बाल्टी है, वो 2 बाल्टी पानी लेके आएगा और आपकी इस आग में, इस जोश में छीटेगा। क्या ये आग बुझ जाएगी, क्या बुझेगी? भाई साहब, इतने में नहीं मानेंगे वो लोग। आपके पड़ोसी के घर में 7 बाल्टी है, वो 7 बाल्टी पानी लेके आएगा और आपकी इस आग में छीटने की कोशिश करेगा। क्या ये आग बुझ जाएगी, क्या ये आग बुझेगी? माय डियर फ्रेंड्स, उसको एक ही बात बोलना है कि ये जो आग है ये एसलीपीएस बिल्डर्स की आग है, तू साला 7 बाल्टी नहीं 7 समुंदर का पानी लेके आ जा। ये आग बुझेगी नहीं, क्योंकि ये आग डायमंड बनने की आग है। ये आग जो है अपने फैमिली के सपने पूरे करने की आग है, और ये जो आग लगी है ये अपने खानदान का इतिहास लिखने की आग लगी है। जलती रहेगी, जलती रहेगी। मैंने एक चीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और असली पीएस बिल्डर्स के अंदर देखा है कि जो आदमी लगातार 30 महीने तक इस आग को जला के रखेगा, जो जला के रखेगा वही आदमी आने वाले 30 महीने में डायमंड बनेगा। वही आदमी आने वाले 30 महीने के अंदर डायमंड बनेगा, ब्लू डायमंड बनेगा, ब्लैक बनेगा, और सब रॉयल बनेगा और क्राउन बनेगा। और जैसे हमारे महागुरु क्राउन एम्बेसडर बन के बैठे हैं और 1.5 करोड़ का चेक एक बार में लेके बने बैठे हैं, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबने मेरे डायमंडशिप में इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं स्टेज के माध्यम से और दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।